फ्रेंड्स, दस्तरखाने वर्सिया में आप सभी का स्वागत है। मैं शाहिदा वर्सिया। आज हमारे बेटे का बर्थडे है, तो इसके लिए हमने आज एक दावत का खाना रखा है। तो हमारे घर में कम से कम 24 से 25 लोग आने वाले हैं, और मैंने उन सभी के लिए जो जो बनाया है उसमें मैंने चिकन कौरमा और दाल फ्राई, जीरा राइस, तंदूरी रोटी। तंदूरी रोटी सोची तवे पे हमने बना ली, और इतनी सॉफ्ट, इतनी मजेदार, आप कभी सोच नहीं सकते घर में इतना अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है। और उसके बाद जो मीठे में हमने बनाया वो तो कमाली हो गया है। समझ लीजिए हमने बनाया है शाही टुकड़े, वो भी पाव से। तो आप हमारा पूरा वीडियो देखिए, और आपको अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इसमें से क्या चीज बनाना आसान लगी और क्या चीज बहुत ज्यादा मुश्किल लगी, तो मुझे जरूर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमने कैसे शुरू किया। शुरू करते हैं चिकन कौरमा बनाना। तो यहाँ पर हमने कौरमा बनाने के लिए 4 किलो चिकन ले लिया है। इसके मीडियम साइज के पीसेस बनवाए हैं, आप देख सकते हैं। इसको धो के साफ करके मैंने यहाँ पे रख लिया है। तो चलिए मसाला निकालते हैं। कौरमे के लिए मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून जीरा और 2 ये दालचीनी के बड़े बड़े डंडी ले ली है। 4 यहाँ पे मैंने बादियान के फूल लिए हैं। यहाँ पे कम से कम मैंने 15 या 16 छोटी हरी इलायची, और यहाँ पे कम से कम 20-25 जो है लौंग है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 4 बड़ी इलायची ली है, जिसके मैं छिलके अलग करूँगी और दाने अलग करके पीसूँगी। और ये मैंने 1 टीस्पून काली मिरी ले ली है। 1 फूल मैंने लिया है जावेत्री का, और इतना बड़ा टुकड़ा मैंने लिया है जायफल का। तो ये सभी गरम मसाले हम अभी पीसेंगे। अब ये गरम मसालों को मैं इस प्याज में पीसूंगी। तो 2 प्याज मैंने रखे लिए हैं, 2 काट के लिए हैं, इन्हें भी काट लूंगी अभी और गरम मसाले के साथ इनको पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए बड़ी इलायचियों को छील कर उसके छिलके यहाँ पर बघार में मैंने डाल दिए हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर हम बघार में यूज़ कर लेंगे, और इसको हम अभी सबको मिला के पीस लेते हैं जार में। और इसी में हम डालेंगे प्याज। ये प्याज को हम इसी तरह से इसमें डाल के पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमारा मिक्सी जो है ठीक से चल नहीं रहा है, तो इसी में हम इतना दही भी डाल देंगे ताकि ये आराम से चले। बस इतना ही दही डालेंगे जो ये आराम से पीस जाए। हमारा मसाला पिस गया है। तो ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हुई है। पूरा हमारा ये प्याज और गरम मसाले साथ में दही का जो मसाला था वो पिस के हो गया है। मैंने यहाँ पर 150 ग्राम ये काजू ले लिए हैं, आधे आधे काजू हैं। और यहाँ पर मैंने मगज ले लिया है, ये 100 ग्राम है। और यहाँ पर मैंने इतने दाल मखाने ले लिए हैं। तो ये सब भी ड्राई फ्रूट हम पीसेंगे, साथ में पीसेंगे इसके दही, और पानी नहीं डालेंगे, ये दही के साथ ही हमें पूरा पीसना है। तो ये देखिए, मैंने बघार के लिए आपको बताए थे ना मसाले, वो सभी मसाले, तेल गरम हो गया है। मैंने तेल जो है ये सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं। यहाँ पे 1 किलो ऑयल मैंने डाला हुआ है, और अब ये पक चुका है, देख रहे हैं आप, बहुत तेज़ धुआं निकल रहा है। तो यहाँ पर मैंने आँच को कम कर दिया है, और पहले मैं डाल दूँगी गरम मसाले। और इसी में मैंने यहाँ पर ये जो कटी हुई पूरी प्याज थी, 1.5 किलो टोटल प्याज हमने यूज़ की है ना, तो 4 को मैंने मसाले में पीसा है आपको दिखाया, और बाकी का सब आप डालिए। अब आज को मैंने तेज कर दिया है क्योंकि धीमे पे हमने डाला था सब। और ये इस तरह से हम इसे पिंक कलर होने तक, हम इसे गुलाबी रंग होने तक हम इसे पकाएंगे। तो अभी बहुत वक्त लगेगा, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये मसाले वाला जो जार खाली है, इसी में हम ड्राई फ्रूट भी पीस लेते हैं। तो पहले मैं डालूंगी दही, और उसके बाद ये थोड़े थोड़े से सब ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से, देख रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा पीस के हम देखेंगे।
तो ये हमारा ड्राई फ्रूट देखिए, दही में हमने पीसा है, बिल्कुल भी पानी नहीं यूज़ किया है, और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी हुई है। देखिए प्याज हमारी अच्छे से पिंक हो गई है। देख रहे हैं आप, बस ये वहाँ पे तो हमारा प्याज, बस हमें इतना ही चाहिए था। अब इसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 4 किलो चिकन लिया हुआ है, इसको उठा के हम डालना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम अदरक और 100 ग्राम लहसुन लिया है, ये पूरा डाल दूंगी, और इसी में डालूंगी मैं नमक। एक टीस्पून, 2 टीस्पून, तो हमारे अदरक लहसुन भी भुन गया। तो अब हम इसमें डालेंगे ये हमारा प्याज और गरम मसाले का जो मसाला पिसा हुआ है वो पूरा, जिसको हमने दही में पिसा है, पानी नहीं डाला है, इसको भी अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए अब हमारा ये भी मसाला भून के नज़दीक आ गया है, तो अब हम इसी में डालेंगे 4 बड़े टमाटर कटे हुए, ऐसे बड़े बड़े पीसेस में हमने काट लिए हैं। इसी में हम डालेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5 टीस्पून धनिया पाउडर, और यहाँ मिर्च पाउडर डालेंगे हम इसी में 1, 2 और 3 टीस्पून, और इसी में हम डालेंगे हल्दी 1 और ये 2 टीस्पून भर के। इसी में हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए 1 और 2 टीस्पून, इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हमारा टमाटर का पानी छूटेगा और ये मसाला भी इसी में भुन जाएगा।
देख रहे हैं कितना खूबसूरत कलर हुआ है। इसे पकने के लिए हम जब छोड़ेंगे ना तो इसकी आंच को कम कर देंगे। अभी तक तेज आंच पे हम पका रहे थे, इसको हम क्या करेंगे ढक के पकने, खोल के देखते हैं। ये हमारा सालन देखिए थोड़ा पानी छूट गया है ना इसमें, ना भुना सा देखिए कितना अच्छा भुन गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से मसाला बन जाए। अच्छा से भुन गया है, सब ऑयल छूट गया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, बिल्कुल परफेक्ट भुन गया हमारा चिकन। देखिए मसाला भी कैसा हो, इसकी ग्रेवी हुई है, बस बिल्कुल ऐसे ही चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा ये मसाला भुन भी गया है, अब इसमें हम डालेंगे हमारा जो ड्राई फ्रूट और दही का मसाला है वो डालेंगे यहाँ पर, इसको हमें आखिर में ही डालना था। ये ड्राई फ्रूट में पीसने के लिए मुझे आधा किलो दही लग चुका है, तो यहाँ पर मैंने आधा किलो दही में ड्राई फ्रूट पीसा है, तभी जाके पीसा, इसमें पानी नहीं पड़ा है। से मिक्स कर लेंगे ताकि फटे नहीं ये। देखा आपने हमने कितना अच्छा मिक्स कर दिया पूरा मसाला। और यहाँ पे मैंने एक जार में थोड़ा सा ये पानी निकाल लिया है, इसको इतना सा डाल दे रही हूँ मैं, बस इसको एक बार और भूनने पर छोड़ेंगे हम। जब ये पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा तब जाके हमारा कौरमा रेडी होगा। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत ये खाना बन रहा है। पूरी तरह से हमने दही का गरम मसाला, ड्राई फ्रूट सब अब मिक्स हो चुके हैं और इस तरह से मिला दिया है हमने, इसको बराबर कर दीजिए बोटियों को अंदर। तो ये यहाँ पे नमक मैं और थोड़ा डाल रही हूँ, 1 टीस्पून, और आधा और, क्योंकि अब जब हमने दही का मसाला डाला है ना तो नमक यहाँ पर कम हो जाता है। नमक वैसे भी आप अपने हिसाब से रखिएगा, जितना आपको ज़्यादा चाहिए कम चाहिए उस हिसाब से। ये हो गया हमारा नमक भी ऐड, और तीखा भी अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप चिल्ली और डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर या हरी मिर्च काट के, वो मैं भी डालूँगी बाद में, लेकिन अभी इसे एक बार और हमें भूनना है। देखते हैं, ये देखिए ऐसा हुआ है, अभी ऑयल छूटा नहीं है, इसका मतलब ये अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है। तो एक बार हम इसे चला लेते हैं इस तरह से ताकि नीचे लगे नहीं, और अभी हमने आज मीडियम पे ही रखा हुआ है, बहुत धीमा भी नहीं रखा है, बहुत तेज़ भी नहीं है। और ये देखिए इसकी ग्रेवी देखिए
कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी हुई है ना, ऐसे ही चाहिए ना, कौरमा ऐसे ही तो होता है। तो इसको ऑयल देखिए अभी छूटा नहीं है ना, तो इसलिए हमें और अभी ढक के पकाना है। देखते हैं, देखिए इतना अच्छा भुन गया है ना। इसे चलाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कुछ हरी मिर्चें काटी हैं, ये देखिए एक की दो पीस कर दिए, ये 7 से 8 हरी मिर्ची है, इसको डाल देते हैं। और मैंने काटा है यहाँ पर धनिया पुदीना, इसको भी ऐसे ही डाल देंगे। और अब इसको चलाएंगे, ये बहुत अच्छा भुन चुका है। देख रहे हैं ना ऑयल, देखिए कितना अच्छा छूट गया ना। ये अब हमारा रेडी हो गया खाना। और देखिए दही वही कुछ नहीं फटा है, क्योंकि हमारी ग्रेवी एकदम चिकनी बनी है। अगर फट जाता हो तो यहाँ दाने दानेदार वाइट वाइट आपको दिखने लग जाता। तो ये अभी देखिए ऑयल भी छूट गया है, ये देखिए ऑयल कितना अच्छा छूट गया है ना। 1 लीटर ऑयल हमने इसमें राई का यूज़ किया है, सरसों का। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही नमक मिर्च अच्छा बना है। तो ये एक खाना हमारा तैयार है। तो यहाँ पर हमारा कौरमा रेडी हो गया, और अब हम बनाने जा रहे हैं पाव का हलवा। तो यहाँ पर हमने अपनी गैस को बंद कर दी है, और अब हम इसे ढक देंगे। और अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा ये कोकोनट का बुरादा, बस ये हो गया हमारा कौरमा रेडी। पाव से हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़े, जिसके लिए हम सबसे पहले रबड़ी और चाशनी तैयार कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ 1.25 लीटर दूध ले रहे हैं, ये फुल क्रीम मिल्क वाला दूध है। इसकी रबड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये कटोरी से 4 नाप ले रही हूँ, ये देखिए 2, 3, 4, ये 1 किलो पूरी शक्कर है। और इसमें मैं ये देखिए यहाँ पर देखिए 1 लीटर ये नाप से मैं पूरा पानी डाल रही हूँ, क्योंकि हमें कोई चाशनी वगैरह में जो तार नहीं चाहिए, ना ही गाढ़ी चाहिए, बस पतली सी हमें चाशनी चाहिए जो हमारा ये पाव पूरा सोख लेगा। और मैं उसमें 1 गिलास पानी ज़्यादा डाल रही हूँ, बस इसको चाशनी पतली सी बनने देंगे। ये हमारी चाशनी पक रही है, और यहाँ पे जो है रबड़ी के लिए हमारी दूध पक रहा है। इसे चलाते हुए पकाना है, वरना नीचे पकड़ लेता है दूध। अब इसी में मैं ये 2 चुटकी लाल कलर डाल रही हूँ, जलेबी का रंग है ये, बस ये चाशनी खूबसूरत लगने के लिए। देखिए दूध हमारा खौलने लगा है, इसे हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो आप देखेंगे चाशनी हमारी खौल गई है, देखिए अच्छे से पकने लगी है। तो बस हमें इसमें कोई तार वगैरह नहीं बनाना है, बस एक खौलाना था इसे। तो ये अब हो गई है,
देखिए कलर कितना बेहतरीन है ना। तो यहाँ पर मैं इसका गैस बंद कर दे रही हूँ क्योंकि ये पक गया है, अच्छे से खोल गई है। देखिए आप और यहाँ दूध पक रहा है हमारा। तो यहाँ पे मैंने ये 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल लेंगे, एक अच्छा सा पेस्ट बना लूंगी मैं। तो ये देखिए पकते पकते 3/4 हो गया है ये दूध। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ये मावे का ढेला डाल देती हूँ। ये देखिए इतना डाल देंगे तो क्या होगा, ये दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। इतना और डाल देंगे, इसको इसी में घोल रहे हैं हम। साथ ही में मैं ये कॉर्नफ्लोर जो मैंने घोला है उसका घोल भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा करके डाल दूंगी, तो ये गाढ़ा सा एक रबड़ी जैसा तैयार हो जाएगा। देख रहे हैं आप कितना अच्छा हो गया है, इसी में ये मावा भी मिक्स हो जाएगा। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। तो अब देखिए ये कितना गाढ़ा हो गया है, देख रहे हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ ये दाने हरी इलायची छोटी लिए हैं, इसको सब भी डाल देते हैं। खुशबू के लिए अच्छा रहेगा ये। तो यहाँ पर अब हम गैस बंद कर देंगे क्योंकि ये अब ठंडा होने पर बहुत गाढ़ा हो जाएगा, तो इस स्टेज पे हम गैस बंद कर दे रहे हैं। तो ये रबड़ी हमारी तैयार हो गई, अब हम जा रहे हैं पाव को तलने। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पर हमने 1 पाव के 2 टुकड़े किए हैं, इसी तरह से हमने पूरे 15 पाव को लिए थे, यानी मैं यहाँ पे पूरे 30 टुकड़ों को तलने वाली, वो भी एकदम डार्क कलर में हमें तलना है, नरम बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये देखिए सब हो गए हमारे, अब इनको निकाल लेते हैं हम। एकदम कड़क कड़क हो गए हैं, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। देख रहे हैं आवाज कैसी आ रही है।
इस तरह से मैंने सेट कर दिया है सबको। चाशनी मैंने गरम कर ली है और अब हम इस पे एक एक पे इस तरह से देखिए चाशनी पूरी पड़ चुकी है। अब इसमें डालेंगे रबड़ी। ये हमारी रबड़ी देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है, देख रहे हैं आप। अब इसको भी डाल देते हैं सब पर। तो आप देखिए पूरी रबड़ी हमने डाल दी है ना। अब इस पर डालेंगे मावा। यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट डालूंगी, पहले काजू। देख रहे हैं आप कितना अच्छा पूरा मैंने मावा लगा दिया है सब पर। तो फ्रेंड्स अब हम शुरू करने जा रहे हैं तंदूरी रोटी बनाना, जिसका हम सबसे पहले आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास पानी ले लिया है। इसमें मैं ये एक्टिव ईस्ट डाल रही हूँ। कम से कम मैंने 2 चम्मच ले लिया है। इसी में मैं डालूँगी 2 टीस्पून नमक, क्योंकि हमने 2 किलो आटा लिया है ना। और डालेंगे इसमें 1, 2, 3, 4 चम्मच शुगर के, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। बस इसे ढक के रख देते हैं। मैंने 1 किलो मैदा और 1 किलो घर का व्हीट आटा लिया हुआ है, तो इसको हम गूंदेंगे।
तो यहाँ पर हमारा आटा हो गया है, अच्छे से हमने इसको गूंद लिया है। तो इसको 15 मिनट के लिए हम रेस्ट कर देंगे, फिर पकाएंगे। तंदूरी रोटी के लिए क्या करना है कि दो पेड़ों को एक साथ लेकर एक रोटी बनाना है, तभी वो नरम और बहुत दो तीन दिन भी आप रख के खाएंगे तब भी वो सॉफ्ट ही रहेगी। तो इसे पतला पतला मत बनाइए और कोई धनिया वगैरह ऊपर से स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे खाने में ऑलरेडी सब कुछ पड़ा हुआ है, तो हर जगह ना लगाएं। और ये इसी सिंपल में, और एक साइड से हमने क्या किया है, घी लगाकर सेका है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही हैं और बनेंगी। तो ऐसे ही करिए। दाल फ्राई बनाएंगे हम। यहाँ दाल तड़का बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम तूर दाल ले ली है और इसी में हमने 2 से 2.5 गिलास पानी डाल दिया है। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर काट लिए हैं, 4-5 लहसुन, 2 हरी मिर्च और कुछ कड़ी पत्ते इसी में हम डालेंगे। एक टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इसको पकने के लिए हम सीटी लगाएंगे। दाल में देखिए सीटी आ रही है, इसे हम धीमे पे पकाएंगे 5 मिनट और। दाल हो गई है यहाँ पर हमारी, हमने गैस बंद कर दिया है। अब देखिए गैस रिलीज़ हो गई थी तो मैंने कुकर ओपन किया और अब इसे मैं थोड़ा मैश कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे टोमेटो वगैरह जो है वो दिख रहे हैं ना, तो उसको हल्का सा बस दबा के, बहुत बारीक नहीं करना है दाल को भी और ना ही टमाटर वगैरह को, हल्का हल्का सा इसे बस मैंने मैश कर लिया है। और चलिए अब मैं इसका तड़का भी तैयार कर लेती हूँ। तो तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पैन रख दिया है और उसमें 4 से 5 टेबल स्पून घी डाल दिए हैं। घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 5 से 6 लहसुन कटे हुए, बहुत बारीक कटे हुए डाल देंगे और हल्का पिंक होने तक, गुलाबी होने तक इसे पकाना है। साथ में इसमें डालेंगे कुछ पत्ते, यानी करी पत्ते हम कुछ डाल देंगे इसमें, अच्छी खुशबू आती है इससे दाल में। और साथ में डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च जो है उसके 2 से 3 टुकड़े करके 1 मिर्ची को डाल देंगे और इसे अच्छा लाल होने तक पकाएंगे। और अब देखिए ये गहरे रंग का हो गया है ना, तो इसमें हम हरा धनिया काट के डाल रहे हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है दाल में। और आखिर में अब डालेंगे अच्छे रंग आने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, ताकि दाल में अच्छा कलर आए। ये 1/2 टीस्पून मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च। अब हमारा तड़का रेडी है। तो ये दाल हमारी, ये देखिए बघार गई, देख रहे हैं आप कितना अच्छी से दाल बघर गई हमारी। तो यहाँ हमारी दाल तड़का रेडी है। तो अब हम बना रहे हैं जीरा राइस। तो यहाँ पे हमने बासमती चावल लिए हैं, वो भी 1.5 किलो। तो पहले हम इसे धो के भिगाएंगे। तो देखिए मैंने ये चावल धो दिया है और अब इसको 1/2 घंटे के लिए भिगा दे रही हूँ। 5 गिलास पानी ले लिया है और इसमें मैं 1 फूल पूरा डाल रही हूँ, कुछ
दालचीनी के टुकड़े डाल रही हूँ, फिर छोटी इलायची डाल रही हूँ 3-4, कुछ काली मिरी 4-5 लौंग, और डालूंगी 1 टीस्पून नमक, थोड़ा सा और पकने देंगे। चावल खोल रहे हैं, इसी में तो पानी हमारा यहाँ पे जो है बॉईल हो गया है अच्छे से, तो इसमें हमारे जो भीगे हुए चावल हैं उसी को हम अब यहाँ पर डाल दिए हैं सब। इसे अच्छे से मिक्स कर देना है पानी में और ढक के पकाएंगे थोड़ा देर के लिए। तब तक हम यहाँ बघार तैयार करते हैं जिसमें हमने 6-8 टेबल स्पून घी ले लिया है और इसमें 2 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है और इसे अच्छे से लाल होने देंगे। धीमे आंच पे सब काम करना है, जलना ना पाए ये ध्यान रखिए। और यहाँ पे चावल हमारा सीज गया है यानी अच्छे से अंदर, आखिरी बार मैं इसको चेक करने के वक्त ये ज़ीरा उसी में देखिए डालने जा रही हूँ। ये देखिए हमारा पानी पूरा सूख गया है, बस थोड़ा सा सीजना बाकी है 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये सभी ज़ीरा तड़के में डाल दिया है और इसको अच्छे से नीचे ऊपर कर लेंगे। जो थोड़ा सा पानी बचा है चावल में वो इसके साथ ही सीजने को हम रखेंगे। सब तरफ से ज़ीरे को मिक्स कर लें चावल में, चावल को अच्छे से सेट कर लीजिए। और इसे फिर से हम ढककर 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसको छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हमने खोल के देखा है तो ये अब पूरी तरह से रेडी हो गया, खिले खिले से हमारे राइस बने हैं और पूरे किचन में ज़ीरा और बासमती राइस की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत टेस्टी इसकी खुशबू लग रही है हमें। तो यहाँ पर हमने सभी खानों को सर्व कर लिया है। सबसे पहले देखिए ये हमारा शाही टुकड़े, ये हमारा कौरमा, देख रहे हैं कितना खूबसूरत खाने लग रहे हैं ये सब, और रंग देखिए कितना प्यारा हुआ है। और ये हमारी दाल फ्राई, और ये देखिए ज़ीरा राइस यहाँ पे रेडी है, और ये हमारा स्टार्टर। यहाँ मैं सभी की रेसिपी आपको दे रही हूँ लेकिन स्टार्टर की रेसिपी मैं बाद में अपलोड करूँगी, लेकिन बाकी सारे खाने मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे देखा हमने सलाद भी सर्व किया है और रोटियाँ जो है वो हमने साइड में रखी हुई हैं, जो हमारी तंदूरी रोटी है वो सब हमने साइड में रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे सभी खाने हमने सर्व कर दिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये हमारा वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके पहले मुझे बताइए कि इसमें आपको मेरा कौन सा खाना सबसे अच्छा लगा और आसान लगा बनाने में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कौन सा खाना ऐसा है जो आप नहीं बना पाएंगे, बहुत मुश्किल आपको लगा, तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इन्जॉय करिए खाने को। किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और अपने बहुत सारे दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए खाने के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।